एक बार फिर मैं सुनील सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज क्लास 12 लेसन 2 फिजिक्स, क्लास 12 लेसन 2 फिजिक्स का आज एग्जाम्पल नंबर 2.4 हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। ध्यान देना बाबू, यहाँ पर चित्र दिखा रहा है कि 2.15, यही आपके पास चित्र है। देखिए 2.15 या 2.15 भी कह सकते हैं। तो देखिए कैसा है एग्जाम्पल में कि चित्र 2.15 में दर्शाए अनुसार चार आवेश भुजा डी वाले किसी वर्ग ए बी सी डी के भुजा डी है, कहता है कि चार आवेश भुजा डी वाले किसी वर्ग ए बी सी डी के शीर्ष पर व्यवस्थित किए गए हैं। ए है, बी है, सी है, डी है, उसके शीर्ष पर व्यवस्थित किए गए हैं। तो पहला देखिए क्या कहता है, इस व्यवस्था को एक साथ बनाने में किया गया कार्य की गणना कर रहा है, पूरा कितना कार्य होगा। दूसरा है कि कोई आवेश क्यू जीरो वर्ग के केंद्र ई पर लाया जाता है तथा चारों आवेश अपने शीर्ष पर द्विध रहते हैं, ऐसा करने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा। तो जब आप एक और आवेश क्यू जीरो जब इसके वर्ग में रखेंगे, केंद्र में रखेंगे यहाँ पर, तो कितना कार्य करना पड़ेगा। तो ये सवाल है, आइए मैं आपको इस सवाल का जो होता है हल करते हैं और देखते हैं कि इस सवाल में कितना आंसर आता है। आइए तो पहले इस सवाल को हम लोग खूब बेहतर ढंग से समझते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। तो देखिए इसमें कहने की बात जो होगी कि सबसे पहले चित्र को हम लोग देखते हैं कि चित्र में क्या कह रहा है इसके हिसाब से। देखिए तो सबसे पहले आपको मैं बता दूँ कि चित्र पर देखिए यहाँ पर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और एक बार प्लस क्यू आवेश को ए की तरफ उठा के लेकर जाएंगे, माइनस क्यू को बी की तरफ, फिर प्लस क्यू को सी पर, फिर माइनस क्यू को डी पर। हालांकि इसके बीच का दूरी जो है डी है, इसके भी बीच की दूरी डी है, और इसके भी बीच की दूरी डी है, सब आपका जो दूरी डिस्टेंस देख रहे हैं डी है। आप जरा देखिए यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा, ये डी, ये डी। जब आप इसको पाइथागोरस प्रमेय से आप हल करेंगे तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग, तो डी करने में दो आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। जरा देखिए पहला आपका जो इसमें स्टेटमेंट लिखा गया है कि प्लस क्यू को ए तक लाने में किया गया कार्य। देखिए जो प्लस क्यू आवेश है इसको उठा करके ए तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा, तो डी डब्ल्यू बराबर जीरो, यानी ए पर किया गया कार्य जीरो होगा। क्यों होगा? क्योंकि कोई आवेश नहीं है, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है कि जो इसका विरोध करेगा, इसीलिए इसका कार्य क्या हो गया, जीरो हो गया। आइए अब जरा देखिए इस माइनस क्यू आवेश को उठा करके आप कहाँ लेकर के आ रहे हैं, बी तक। तो जरा देखिए आप दूसरा में कह सकते हैं कि माइनस क्यू को बी तक लाने में किया गया कार्य, तो आप यहाँ पर डब्लू बी बराबर क्या लिख सकते हैं, आप पढ़े भी होंगे ना, कार्य बराबर के गुणे की वन गुणे क्यू टू बटा में डी, लेकिन के वैसे ही लिखेंगे। अच्छा आपको समझा देते हैं फिगर से, जब ये माइनस क्यू के इसके पास लेकर आएंगे तो एक क्यू के द्वारा कार्य किया जाएगा, एक इसके द्वारा कार्य किया जाएगा, तो वही हो जाता है यहाँ पर के गुणे की वन गुणे माइन के गुणे प्लस क्यू गुणे माइनस क्यू बटा में डी, तो माइनस के दो क्यू है तो क्यू स्क्वायर बटा में डी। ठीक है अब जरा देखिए आइए नेक्स्ट को चलते हैं। अब इस प्लस क्यू को उठा करके आप सी पर लेकर आएंगे, तो एक मैं चीज़ बता दूँ, जब प्लस क्यू को उठाकर आप सी पर लेकर के आएंगे तो तीन तरीके से कार्य होगा, सॉरी तीन तरीके से नहीं, दो तरीके से। एक तो इस प्लस क्यू के कारण इस पर कार्य होगा, और एक इस माइनस क्यू के कारण। तो इस प्लस क्यू के कारण जो कार्य होगा वह होगा के प्लस क्यू गुणे प्लस क्यू बट्टा में डी करने में दो, यानी जो डिस्टेंस होगा वह डी करने में दो होगा। इसके लिए जब कार्य निकालेंगे तो के गुणे माइनस क्यू गुणे प्लस क्यू और बट्टा में आपका डी होगा। तो देखिए वही चीज़ आपको लिखा गया है कि प्लस क्यू को सी तक लाने में किया गया कार्य, तो डब्ल्यू सी बराबर के गुणे क्यू बट्टा में डी करने में दो प्लस के गुणे क्यू गुणे माइनस क्यू बट्टा में डी हो जाएगा। आपका के वैसे ही रखेंगे, जब क्यू से क्यू में गुणा होगा तो क्यू स्क्वायर बट्टा में डी करने में दो माइनस के, आप हालांकि माइनस आगे आ जाएगा, के से गुणा क्यू में करेंगे तब के गुणा क्यू स्क्वायर बट्टा में डी हो जाएगा। ठीक है अब आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ यहाँ पर कि माइनस
क्यू के उठा करके डी तक लाने में किया गया कार्य। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि माइनस क्यू को उठाकर डी तक लाने में किया गया कार्य। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि माइनस क्यू को डी तक लाने में किया गया कार्य। तो देखिए अब चलो फिगर में फिर देखते हैं हम लोग कि जब कार्य करेंगे तो देखिए कितना कार्य होगा। एक तो इसके लिए ए के कारण, एक आपके जो होगा बी के कारण, और एक आपका होगा सी के कारण। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू डी बराबर के गुणे क्यू गुणे माइनस क्यू बटा में डी प्लस के गुणे माइनस क्यू गुणे क्यू बटा में डी प्लस के गुणे माइनस क्यू गुणे माइनस क्यू बटा में डी करने में डी। इसके लिए जरा देखिए अगर आप कार्य इसके लिए लेते हैं तो देखिए यहाँ पर प्लस क्यू गुणे माइनस क्यू बटा में डी हो जाएगा, और इसके लिए लेंगे तो के गुणे माइनस क्यू गुणे प्लस क्यू बटा में डी हो जाएगा, और इसके लिए अगर लेते हैं तो आपका हो जाएगा के गुणे माइनस क्यू गुणे प्लस क्यू बटा में डी करने में दो। तो आपने इतना लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके बाद से आगे जब बढ़ेंगे तो आप कुल कार्य लिखेंगे, ठीक है। कुल कार्य तो डब्ल्यू बराबर डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू सी प्लस डब्ल्यू डी, ये जो आपका निकल करके आएगा ये कुल कार्य जो होगा आपका निकल करके आएगा। तो कुल कार्य में अभी देखिए W बराबर जहाँ W A अभी जीरो लिखे तो उसको लिख लीजिए, W B आपने लिखा था माइनस के क्यू स्क्वायर बटा में डी प्लस से W C को आपने लिखा था के क्यू स्क्वायर बटा में डी करने में दो माइनस के क्यू स्क्वायर बटा में डी। और W D का जो आया था यहाँ पर माइनस के क्यू स्क्वायर बटा में डी प्लस माइनस के क्यू स्क्वायर बटा में डी प्लस के क्यू स्क्वायर बटा में डी करने में दो। चलिए जरा देखिए, एक यहाँ पर है माइनस के क्यू स्क्वायर बटा में डी, यहाँ पर है माइनस के क्यू स्क्वायर बटा में डी, एक यहाँ पर है माइनस के क्यू स्क्वायर बटा में डी, एक यहाँ पर है माइनस के क्यू स्क्वायर बटा में डी। चार हैं, जब आप जोड़ेंगे तो माइनस चार के क्यू स्क्वायर बटा में डी प्लस है, और इसको ये के क्यू स्क्वायर डी करने में दो, और यहाँ पर के क्यू स्क्वायर डी करने में दो, जब जोड़ेंगे तो दो के क्यू स्क्वायर डी करने में दो। तो इस तरीके से आप चाहें तो कामा ले सकते हैं, माइनस क्यू स्क्वायर दो, इस तरीके से दो माइनस करने में दो, या चाहें तो आप फिर दो से गुणा कर सकते हैं यहाँ पर, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा और आगे बढ़ा दीजिए, खाली माइनस क्यू स्क्वायर बटा में फोर पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू डी, दो से गुणा करेंगे तो चार माइनस दो करने में दो, चाहे तो आप परिमिकरण कर सकते हैं करने में दो बटा करने में दो से, तो आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये चार माइनस ये जब गुणा होगा तो दो करने में दो नीचे दो बाहर कट जाएगा, तो करने में दो आपका इस तरीके से आपका जो आएगा आंसर हो जाएगा। तो ये जो आपका था एग्जांपल नंबर जो हम लोगों ने देखा कि कैसे 2.4 कह रहा था, और इस तरीके से हम लोग एग्जांपल नंबर 2.4 को भी हल कर दिए। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और जो आगे के एग्जांपल होगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।